श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। वो अचानक उठ खड़े हुए और द्वार की तरफ भागे और मायूस होकर न लौट आए। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए? श्री कृष्ण ने कहा, मेरा एक फकीर भक्त राजधानी से गुजर रहा था। वह एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए चला जा रहा था। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उस पर पत्थर फेंक रहे थे, और वो था कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा था। उसके माथे से खून टपक रहा था। वह असहाय है, वह निर्दोष है, यही विचार कर मुझे दौड़ना पड़ा। रुक्मणी ने पूछा, तो फिर लौटे क्यों? श्री कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुँचा ही था कि उसने वह एक तारा नीचे फेंक कर पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया। उसे अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। यहीं पर आकर हम अपना विश्वास खो देते हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो भरोसा रखिए, वह कठिन घड़ी में आपका साथ देने जरूर आएंगे। वह आएंगे, जरूर आएंगे।